अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस खान पिजन। जी दोस्तों, आज मैं आपको एक पानी बता रहा हूँ कबूतरों के लिए। इंशाल्लाह लंबी का पानी है, कबूतरों का मारेंगे, कबूतरों का सांसम बना हुआ होगा तो इंशाल्लाह लाजमी काम करेगा। पानी बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। ठंडी का पानी है, इसी मौसम का पानी है, नॉर्मल मौसम, ठीक है। तो ये देख लें, यामा हल्दी है, ठीक है, ये मुलायटी है, ये पीपल है, ये देख लें, ये छोटी हल है, ये आधी कल घिसी है मैंने, इतनी बची है, देख लें, ठीक है भाई। और ये चार बादाम है, 40 कबूतरों के लिए है पानी, ठीक है। आमली, चार बादाम, छोटी हल, पीपल और मुलायटी, और ये है पानी। ये पानी इसमें 2 चमचे चीनी मिली हुई है, ठीक है, 2 चमचे चीनी मिली हुई है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ देना कैसे। सबसे पहले आप लोगों को कबूतरों का अपना सांस दम टाइट करना है, सही है, हाथ दम टाइट होगा इंशाल्लाह कबूतरों पर काम करेगा। अपने कबूतरों का भी रखूँगा, 2 दिन लगातार ये पानी रखना है। उसके बाद मैं आपको एक चिकनाव बताऊँगा, चिकनाव रख लेगा इंशाल्लाह कबूतर, फिर देखिएगा आपका क्या करेगा, ठीक है भाई। तो ये बादाम में घिसता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी कबूतर को थोड़ा बहुत आगे पीछे आपके कबूतरों का सांस दम बना होगा तो इंशाल्लाह कबूतर मुँह भी डालेगा और अच्छा उड़ेगा, पर भी तेज मारेगा कबूतर, काम करेगा पानी इंशाल्लाह, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अभी कंटिन्यू करता हूँ। जी तो भाई, ये आमाल्दी आ गई, सही है, ये आमाल्दी के घिसे मारने इतने कि पानी में कलर आ जाए। ये 1.5 लीटर की कुंडली है, 40 कबूतरों को खेले, गौर से सुना आप सब भाई, आम हल्दी के इतने घिस्से मारने के कलर आ जाए। अगर आपके पास ऐसा पत्थर है तो आप कम से कम 70-80 घिस्से मारें, ये देखें 1, 2, 3 ऐसे। और अगर आपके पास बड़ा वाला पत्थर है तो आप 50 या 40 घिस्से मारें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये अभी मैं मारता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे और चीज़ें कितनी कितनी घिसनी है, क्योंकि सारा गेम इसमें मिकदार का होता है, खेल पानी में, ठीक है भाई। मिकदार जिसको पता होगा इंशाल्लाह वो कारीगर बन रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। या मल्दी घिसके मैं आपको बाकी चीज़ों की मिकदार बताता हूँ, घिसके दिखाता हूँ कैसे घिसनी, हल्के हाथ से घिसनी है बिल्कुल, सही है भाई। आमल्दी मैंने घिस दी है, पानी का कलर देख लें आप, ऐसा हो गया कलर आ जाए बस हल्का सा, ज़्यादा नहीं घिसनी क्योंकि अभी ज़्यादा देंगे तो फिर कबूतर बिगड़ जाएगा, ठीक है। आम हल्दी के 2-3 किस्से और मार के, फिर घिसनी आपको मुलायटी, ये मुलायटी चेक कर सकते हैं आप लोग, मुलायटी भी इतनी घिसनी है बस कलर आ जाए, यानी आपके ये जो छोटा वाला नाखून होता है उंगली का इतनी घिसनी है, या आप ऐसा पत्थर है अगर आपके पास तो मुलायटी के आप 30 घिस्से मारें, बड़ा वाला है तो 20 घिस्से मारें, मंजिल है लेकिन यहाँ मंजिल मिलता भी नहीं है। 10-10 वाली 3 मंगाई थी मैंने। हाँ तो 10-10 वाली है। ₹50 ले और अपन चलते हैं दाऊद ग्राउंड के, वहीं पर ही मिलते हैं, यहाँ पे मान जाए। भगोड़े उधर जाके पतंग उड़ाओ भाई, मजे से वीडियो बन रही है, चेपी लगा लूं, सही है भाई। ये मुलायटी घिस दी, उसके बाद घिसना है आपको पीपल, ये पीपल भी इतना ही घिसना तकरीबन, ठीक है। ये देख लें इतना घिसना है पीपल, इतना बस,
ये उंगली का समझ लें चने के बराबर से भी छोटा घिसना, उंगली का आधा नाखून लगा लें इतना घिसना, यानी तकरीबन 40 घिस्से मान लें इसके भी। ठीक है भाई, ये पेपर भी गिर गया, दो चार घिस्से और मार उसके बाद ये आ गई छोटी हड़। छोटी हड़ के भी तकरीबन 40 से 50 घिस्से मारने। ठीक है दोस्तों, ये देखें हल्के हाथ से मारने, सुकून से बिल्कुल। कबूतरों में ताकत भी आएगी और कबूतर परकरी भी अच्छी करेगा इंशाल्लाह। लेकिन शायद यह है कबूतरों का आपका सांस दम बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि सांस दम बना हुआ होगा तो कबूतरों का काम करेगा, बैठी हुई चीज़ पे लगाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है भाई, ये देख लें आप लोग किस तरह से लग रहे हैं। जो भाई पूछ रहे थे खेल, उनके लिए अभी क्योंकि अभी कराची पाकिस्तान में इतना कोई खास कोयटा या ठंडा मौसम नहीं हो रहा, नॉर्मल मौसम है, उसे नॉर्मल मौसम का ही खेल है। और अगर आप ओवरसीज मतलब इंडिया बांग्लादेश से कोई भाई देख रहा है तो अगर वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो आप ईरानी अकरकरा बोलेंगे वहाँ पे किसी भी पंसारी से, यहाँ तो इजीली मिल जाता है ईरानी अकरकरे के नाम से। आप चक्के चेक करिएगा, आपकी ज़बान सुन हो जाएगी। अगर ज़्यादा तेज़ वहाँ ठंड है तो ईरानी अकरकरे के भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, 20 से 30 घिस्से, ज़्यादा नहीं घिसना हो 20 से 30 घिस्से, और अगर बड़ा वाला है तो सिर्फ 10-12 घिस्से मानने। ठीक है भाई, पाकिस्तान कराची के मौसम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कराची के मौसम में अभी अकर करेगा काम नहीं है। ठीक है, पानी का कलर देख लें कैसा हो गया, इस तरह का कलर है। उसके बाद ये चारों बादाम आप घिस देंगे, बादाम घिस के मैं फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, आगे का आपको प्रोसीजर बताता हूँ। जी दोस्तों, भाई ये चारों बादाम घिस दिए, पानी का कलर आप देख सकते हैं कैसा हो गया। ठीक है, ये चारों बादाम घिसने के बाद मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपके कबूतरों का सांस दम बना हुआ होना चाहिए, सांस दम बना हुआ होगा इंशाल्लाह। दो दिन ये पानी मारना आपको, दो दिन कंटिन्यू, उसके बाद एक चिकनाव मारना है, वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा आपको जब चिकनाव का दिन आएगा, और कैसे मारना चिकनाव ये भी मैं आपको बता दूंगा। कबूतर आपका इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगा, जहाँ आपका दिल चाहेगा आप वहाँ लड़ा सकते हैं, और इंशाल्लाह गेट अच्छी मारेगा इसका कबूतर, डपटा हुआ जाएगा, बिल्कुल डपटा हुआ उड़ेगा। ये बादाम मैंने इसलिए डाले थोड़ा कबूतर ज़्यादा मुझे पट नहीं करना, अगर आपको भी ज़्यादा पट नहीं करना हो तो आप इतने बादाम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल पट करना है कबूतरों को तो 1 से 2 बादाम डालिएगा इस पानी में। ठीक है, ये सारे घिसने के बाद ये मैं आपको फिर दिखा दूँ, मुलायटी आ गई इसके 40 घिस्से मारने, ये छोटी हड़ आ गई इसके भी 30 से 40 घिस्से मारने, ये पीपल आ गए इसके भी 40 घिस्से मारने, 50 घिस्से ही मार सकते हैं इसके। ठीक है, और ये आ गई, ये आ गया कर अमल दी, इसके 70-80 घिस्से मारने आपको। उसके बाद चार बादाम आपको घिसने, लंबी का खेल में बता रहा हूँ आपको, और इंडिया में पंजाब साइड पर जहाँ ठंड है वहाँ ठंड का मौसम ज़्यादा चली है तो इसमें ईरानी अकरकरा भी इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, ईरानी अकरकरा इतना इंक्लूड करना है, 10 से 15 घिस्से, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मारेंगे तो कबूतर आपका गर्मा जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद एंड में जो हमने चीनी का पानी भिगो के रखा हुआ है इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगोना है, जब आप सोक करने आए छत पे तो इसको भिगो दें, 2 चमचे चीनी है, चाय वाला जो चमचा होता है। ठीक है, ये पानी सारा इसमें ऐसे मिला दें एंड में, और 1.5 लीटर पानी में बनाइएगा, 1.5 लीटर पानी में बनेगा, 40 कबूतरों का खेल है। ठीक है,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर किसी भाई की कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उसके बाद ये पानी पूरा करके कबूतरों को रख दें 2 दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। सही है दोस्तों, ये कबूतरों को पानी रखते हैं, आप लोगों को दिखा दो, बड़े शौक से पिएंगे पानी। जी ये देखिए कैसे आ रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर किएगा दोस्तों, कबूतर इंशाल्लाह रिजल्ट देगा आपको, लेकिन शर्त यह आपके कबूतरों का सांस दम बना हुआ होना चाहिए। जब कबूतर कुछ कर रहा हो, आपको बता रहा हो, आपको लग रहा हो, तो फिर आइए आपको पानी इस्तेमाल करवाना। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ, 40 कबूतरों का खेल है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अगर किसी की 80 कबूतर हैं तो ये मिकदार वो डबल कर सकता है। ठीक है भाई, ये देख ले कैसे पी रहे हैं पानी, 2 दिन देना ही है पानी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। कबूतर इंशाल्लाह हमारा कबूतर काम कर रहा है, एक आध दिन में इनके जलवों की भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पल्ले पे आके लड़ रहा है। ठीक है भाई, पानी यानी पी रहे सब, और इंशाल्लाह इससे कबूतर आपको कोई सुस्त भी नहीं होगा। जैसे सर्दी में कोई तेज़ हवा चलेगी तो कबूतर बीमार बीमार भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, जो भाई मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि कोई खेल बताओ, अभी तो फ़िलहाल यही खेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मौसम चेंज होगा, यहाँ पे ठंडी चलेगी, कोयटा चलेगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ वो भी बता दूँगा कि उस हवा में क्या देना है, कबूतर कैसा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।